हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हमारे साथ है प्रियंका। प्रियंका के बारे में ये कहना चाहूँगी कि प्रियंका का चयन हुआ है KVSPRT। तो अपनी सारी स्ट्रेटेजी, कैसे हुआ चयन, प्रियंका की जबानी सुनते हैं उनके सिलेक्शन की कहानी। थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैम। मैं बहुत हैप्पी हूँ आपके सामने उपस्थित। और मैम, मेरा नाम प्रियंका है और मैंने जो DLED किया है, DLED मेरा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन महाराजा सरोजमल इंस्टीट्यूट से है जो कि वेस्ट दिल्ली में है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया था DU से, श्यामलाल कॉलेज से। आफ्टर दैट मास्टर्स मैं पॉलिटिकल साइंस में। और मैंने जो स्ट्रेटेजी यूज़ की थी, मेरा सेल्फ स्टडी है, लेकिन जो मेरा इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए मैंने एक बुक यूज़ की थी जो नीतू सिंह मैम की है सर। हाँ जी। और हिंदी के लिए आप कोई भी कॉमन सी बुक ले सकते हैं, लूसेंट वगैरह की। CDP मैम आपका था सारा, मैंने आपका कोर्स परचेज किया था मैम। CDP में मैंने बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर आपको लगता है कि आपका बेस थोड़ा सा कमज़ोर है, तो जो आपने DLED BEd में जो भी बुक पढ़ी है वो पढ़ सकते हैं। अगर आपका बेस ठीक है तो आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि मन तो वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, और जिसमें कि बहुत ही कम टाइम में मैम ने इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया। अगर आप देखें KVS का पिछला जो देखते हैं कि उसमें टाइम हमें कितना कम दिया गया था। इंटरव्यू के लिए हमारा प्रोसेस लंबा चला गया क्योंकि कोर्ट केस की वजह से। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ में सही गाइडेंस के साथ में चलें, सही गाइडेंस मतलब इधर, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। KVS में आपके मार्क्स जैसे बोर्ड पे दिख रहे हैं कि आपके मार्क्स रहे हैं 74.0662, तो फाइनल सिलेक्शन में रहे हैं ओवरऑल। तो इंटरव्यू के बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि इंटरव्यू आपका कहाँ हुआ और कैसा रहा। इंटरव्यू को लेकर बच्चों में बड़ी घबराहट थी, ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बताइए। थैंक यू मैम। मेरा जो स्कोर था रिटर्न में वो थोड़ा डाउन था, लेकिन मेरा जो इंटरव्यू में स्कोर था वो काफ़ी अच्छा रहा। आउट ऑफ 60 में मैंने स्कोर किया मैम 52। तो मैम मेरा जो इंटरव्यू चला था वो चला था मैम 20 to 25 मिनट, जो कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग आई थिंक मेरा ही था, जो मेरे से 2-3 पहले गए थे कैंडिडेट्स और 2-3 बाद में, क्योंकि उसके बाद भी मैं थोड़ा देर रुकी थी वहाँ पर। तो मैम बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं इंटरव्यू के टाइम पर, और थोड़े से एजेड होते हैं जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं। और मैम बहुत ही पेशेंस के साथ में इंटरव्यू देना चाहिए, घबराने जैसा कुछ नहीं होता। जैसे हम डर के जाते हैं, वहाँ पर मेरे भी हाथ कांप रहे थे थोड़े से, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल रिलैक्स किया। उन्होंने बोला कि आप अच्छे से सुनिए पहले क्वेश्चन को, फिर आप रिपीट करिए। और ऐसा भी कोई मतलब वहाँ पर बैरियर नहीं होता लैंग्वेज का कि आपको स्टिक रहना है कि बिल्कुल हिंदी ही बोलना है, फिर बिल्कुल इंग्लिश ही बोलना है। और मैम मुझे उन्होंने बोला था कि आप कुछ भी पढ़ा दीजिए, तो मैंने अपने टॉपिक में पढ़ाया था EVS का वाटर साइकिल। उसके बाद मुझसे कुछ वोकैब के क्वेश्चन किए थे, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन बोले थे कि आप हिंदी में ये लिख के दिखाइए, इंग्लिश में ये लिख के दिखाइए, तो वो पूछा था। उसके बाद में मुझसे एक्टिविटी पूछी गई थी कि इस टॉपिक पर आप एक्टिविटी कितनी कराएंगे, कैसे कराएंगे। तो एक्टिविटी बताने के बाद में फिर उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि बियॉन्ड 1st to 5th standard के थे। उसके बाद सीधा उन्होंने बोला कि ऑल द बेस्ट, लास्ट में उन्होंने मुझे ऑल द बेस्ट बोला एंड देन उन्होंने मुझे भेजा। मैं ये पूछना चाहूँगी प्रियंका की, जैसे शिक्षक भर्ती है, ठीक है, तो शिक्षक भर्ती में इससे पहले KVS से पहले आपने किस परीक्षा को अगर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड दिया है, और मतलब कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कैसे बाकी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी से अलग होती है? मैम शिक्षक भर्ती के अंतर्गत भी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट 50% सेम होते हैं। अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी और टीचिंग स्ट्रेटेजी को हटा देते हैं तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं मैम। बस पेस हमारे को अपना सेम बना के रखना, ये नहीं कि 4 दिन पढ़ लिया, 5 दिन छुट्टी कर ली, हमें थोड़ा 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 पढ़ना होता है कि। तो मैम अगर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने BEd एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर किया CTET 3 times, लेकिन CTET तो यही होता है कि एलिजिबिलिटी है। और मैंने UPSI का भी एग्ज़ाम दिया था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैंने तैयारी की थी, दिल्ली पुलिस में मेरा नहीं हो पाया था। और UPSI वाला मेरा क्लियर हुआ था, लेकिन उसमें मेरे साथ एक इंजरी हो गई थी, तो मेरा पास तो मैं उसको नहीं। लेकिन मैं आप सभी को जो KVS एस्पिरेंट्स और अदर टीचिंग एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको यही मैसेज पहुँचाना चाहूँगी मैम आपको कि कॉन्स्टेंटली चीज़ों को लेकर अगर हम चलते हैं सही डायरेक्शन।
प्रियंका, एक स्टूडेंट्स की एक बड़ी शिकायत भी रहती है कि भर्ती शिक्षक की बहुत लेट लेट आती है, तो ऐसे में अपना कॉन्फिडेंस, अपना मोटिवेशन कैसे बना के आप पढ़ी और एकदम से केवीएस की आई, तो एक ही महीने में सब कुछ एग्जाम वगैरह सब हो गया, तो उस टाइम आपने क्या किया कि आप घबराए नहीं? घबराहट तो सभी को होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम सिर्फ स्टडी स्टडी कर रहे हो और अगर हमको लगता है कि हमें साथ साथ में कुछ अर्निंग भी करनी है, तो आप कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सिर्फ, अगर हम जॉब करेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे या पढ़ेंगे तो जॉब नहीं कर पाएंगे। मैम, ऐसा नहीं होता। मुझे भी लगता था पहले ऐसे, मैंने साथ में मतलब दोनों चीज़ों को बैलेंस करके कर सकते हैं। तो जो भी आपका लिमिटेड टाइम है मैम, मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब हमारे पास जितना कम समय होता है ना, उस टाइम हम अच्छा कर पाते हैं। तो मैम, जो वो पॉजिटिव प्रेशर होता है हमारे ऊपर, वो हमें इस तरफ ऐसे खींच में करते हैं, लेकिन हमारे पास एक सही डायरेक्शन होनी चाहिए। तो मैम, मैं सभी को फिर से यही मैसेज पहुँचाना चाहूंगी कि डायरेक्शन आप हैं। आप हैं मैम। हाँ, प्रियंका से अगर मैं कहूँ कि प्रियंका आपको ऐसा कैसे लगा, और प्रियंका देखिए, आप सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, तो मतलब प्रियंका से संपर्क मतलब कि एकदम से हुआ, और प्रियंका ने कहा ये अब छुट्टी आई है अपने पोस्टिंग से, अभी विंटर वेकेशन पे, केवी में विंटर ब्रेक बड़ा ही पड़ता है, ठीक है, एक अच्छी खासियत है, विंटर ब्रेक अच्छा खासा पड़ता है वहाँ पे, दिल्ली सरकार की तरह, अब जैसे 7 दिन का हो गया वैसा नहीं है। हाँ, तो कैसे मतलब कि आप देखिए, बहुत सारे YouTube चैनल है, बहुत सारे YouTube टीचर्स हैं, बात ये होती है कि भरोसे की, अब वो भरोसा आपको कैसे लगा, और एक है कि एग्जाम में पेपर फंसने की, तो वो आप बताइए, और मैं और भी पूछना चाहूँगी साथ में, आप मुझे रीजनिंग का भी बताइएगा, कंप्यूटर का भी बताइएगा, केवीएस आपने सेलेक्ट किया है, और हाँ, क्या आपने डी ट्रिपल एस भी दिया था, क्योंकि डी ट्रिपल एस भी की भर्ती आने वाली है, तो आपने क्या वो दिया था? देखिए, हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक सफलता के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं, तो आप उनके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ओके मैम, थैंक यू। मैंने हिंदी के लिए आपको बताया था कि लूसेंट की आप बुक पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में जो मैथ्स है, मैथ्स में जैसे हम एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उससे थोड़ा डाउन जाता है, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं मैम, अगर आप केवीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो। और अगर आप केवीएस से अलग डीटीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अपग्रेड, और साथ में जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग बहुत ज़्यादा टॉप नहीं आती है, मतलब अगर आप एसएससी की तैयारी आराम से हो जाएगी। और साथ ही साथ में कंप्यूटर के लिए भी लूसेंट की बुक ले सकते हैं आप, और मैम उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर, सीडीपी की प्रैक्टिस मैम आपके जितने भी वीडियो पड़े उनको 10-10 बार देख लो। मैम ने जो आपने जो मैम गागर में सागर सीरीज लगाई थी ना, वो बहुत बहुत अच्छी है। तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है ना, तो आपने डीटीएस भी कराया, वो प्लेलिस्ट भी पढ़ लो या चलते फिरते तो वीडियोस को 2x की स्पीड पर बेटा। मैं वीडियो में कहना चाहूंगी कि प्रियंका कर्ण के ये जो भाव है, ये मुझ तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं, और जैसे बच्चे ऐसे सेलेक्ट होकर मिलने आते हैं, वो अपने आप में एक टीचर के पढ़ाने का एक गिफ्ट है, एक उसकी पढ़ाई की ये है कि हाँ, मेरा स्टूडेंट आज बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाएगा, ठीक है, और देश का भविष्य बनाएगा, तो ऐसे ही बच्चे मुझसे जुड़े, और मुलाकात के बारे में प्रियंका ही प्रकाश डालेंगे कि हमारी मुलाकात कैसे हुई, मुलाकात संजीव सर से इनका संपर्क हुआ, और बाकी ये बता देंगी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आज अभी बस अपनी क्लास करके हटी हूँ, तो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि ये आपकी स्टूडेंट है और ये सेलेक्ट होकर आपसे मिलने आई है, तो मुझे भी अभी पता चला है। संजीव सर से कैसे आपका मतलब, कहाँ से आपको पता चला कि मुझे ये मनु मैम के हस्बैंड है और मिलना हो गया एकदम? मैं जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ही रही थी, तो केवीएस का जो हमारा इंटरव्यू था काफ़ी लंबा जा रहा था, तो उस बीच में मैंने ईएमएस का एक कोर्स भी खरीदा। मैं मतलब वार्डन वार्डन वाली एक जॉब थी मैम, उनमें जो एप्टीट्यूड अब हमें सर पढ़ा रहे थे वो भी पढ़ा। उससे पहले मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, तो उस दौरान मैंने पहले सीडीपी पढ़ाने के लिए मैम आपको अप्रोच किया था, डेमो, तो सर ने मुझे कॉल किया था, मेरे को बिल्कुल पहचान में नहीं आए थे। मैंने मैंने 2 से 3 बार पूछा, अच्छा आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं,
तो जब सर ने नोटबुक एकेडमी का नाम लिया तो मैंने सर को ये जवाब दिया, हो आप मन्नू मैम के हस्बैंड है, वो तो मेरी टीचर है। तो मेरे लिए बिल्कुल अभी भी मुझे ड्रीम जैसा लग रहा है। देखो तो वो फेज होता होगा सब लोगों के लिए कि आज के टाइम जैसे टीचर्स को आजकल कोई कुछ, लेकिन मैम साइड में बैठने में भी मुझे आज, और मैम मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रियंका आप बहुत ही काबिल हैं, आपकी काबिलियत है और आपकी मेहनत है कि आपका चयन हुआ है, ऐसे ही ढेर सारे बच्चों का चयन हो और उनसे मिलने का मौका मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और सभी को ऑल द बेस्ट। जल्द से जल्द ऐसे प्रियंका जैसे आज मेरे साथ खड़ी है, आप भी मेरे साथ खड़े होकर अपना अनुभव साझा करें और आपके इस जर्नी में मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ तो मेरा पढ़ाना सफल। थैंक यू बच्चों।